नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके सरल न्यू गैजेट्स यूज में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग की तरफ से एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस, जो कि वेरिएंट आता है 4GB 64GB। और हम कंपेयर करने वाले हैं शॉमी के रेडमी नोट 5 प्रो से, जो कि शॉमी का रेडमी नोट 5 प्रो जो है एक पॉपुलर डिवाइस है फरवरी से जब से लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है 15,000 रुपीज 4GB 64GB के साथ में। आज हम करने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच में स्पीड कंपैरिजन, और हम देखते हैं दोनों फोन में 4GB 64GB वेरिएंट है, बट यहां पर डिफरेंस है चिपसेट का, जो कि यूज किया गया है यहां पर सैमसंग की गैलेक्सी A6 प्लस में, जो कि है स्नैपड्रैगन 450। लेकिन शॉमी के रेडमी नोट 5 प्रो में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 636। इसके अलावा हम सिर्फ डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में जो है दोनों ही फोन जो है सेम है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जो है ज्यादा डिफरेंस जो है डिजाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन, और हम देखते हैं कि कौन सा फोन जो है मैक्सिमम टाइम जो है विनर रह पाता है। तो ये वाला मॉडल है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, और ये वाला मॉडल है Samsung का लेटेस्ट डिवाइस, जो कि है Samsung Galaxy A6 Plus, जो कि यहाँ पर दोनों ही फोन के वेरिएंट हैं। हमारे पास 4GB 64GB, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर जो कि Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में यूज किया गया है Snapdragon 636, और ये वाला डिवाइस है Samsung Galaxy A6 Plus जिसमें यूज किया गया है चिपसेट वो है Snapdragon 450। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है कौन सा फोन विनर रहता है। Snapdragon 636 एक लेटेस्ट चिपसेट है, क्या वो हरा पता है Samsung के कस्टमाइज वर्जन स्नैपड्रैगन 450 को, या फिर जो है नहीं हरा पाता। तो करते हैं दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन। स्क्रीन पे इंस्टॉल है ऑलमोस्ट 12 एप्लीकेशन, जिसको हम करने वाले हैं वन बाय वन ओपन, और हम देखते हैं कि कौन सा फोन जो है मैक्सिमम टाइम अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... हमने यहाँ पर दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन किया, हमने देखा यहाँ पर मैक्सिमम टाइम एप्लीकेशन ओपन करी Xiaomi के Redmi Note 5 Pro ने, क्योंकि वहां पर जो है चिपसेट का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन करी Xiaomi के Redmi Note 5 Pro ने। लेकिन यहाँ पर जो है कितने मिनट कितने सेकंड का डिफरेंस हमें जो है देखने को मिला, तो हम करेंगे टाइमर के साथ में एप्लीकेशन को काउंट वापस से, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितने मिनट का जो है डिफरेंस हमें जो है देखने को मिल जाता है इस Xiaomi के Redmi Note 5 Pro और Samsung के Galaxy A6 Plus के बीच में।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on तो हमने यहाँ पर दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन किया। हमने देखा यहाँ पर जो कंप्लीट करता है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, जिसने कंप्लीट किया है 2 मिनट 14 सेकंड में, और वही सेम प्रोसेस कंप्लीट किया है Samsung के Galaxy A6 Plus ने, जिसने कंप्लीट किया है 2 मिनट 37 सेकंड में। ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 सेकंड का जो है डिफरेंस हमें जो है इस फोन दोनों फोन के साथ में जो है देखने को मिला। तो यहाँ पर जो है दोनों प्रोसेस में रहता है वो है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, क्योंकि वहां पर जो चिपसेट यूज किया गया है वो थोड़ा सा स्ट्रांग वाला चिपसेट, मतलब लेटेस्ट चिपसेट जो है यूज किया गया है, जो कि है Snapdragon 636। अब हम करते हैं इन दोनों ही फोन को रिबूट, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रिबूट वाले प्रोसेस में क्या Samsung का फोन जो है विनर रह पाता है या फिर जो है नहीं रहता है। ऐसे हमने जो है Samsung को किसी भी फोन के साथ में जो है रिबूट पे कंपैरिजन किया है, तो मैक्सिमम टाइम जो है Samsung ही फोन विनर रहते हैं रिबूट वाले प्रोसेस में। लेकिन देखते हैं क्या Xiaomi का Redmi Note 5 Pro हरा पाता है Samsung के फोन को या फिर जो है नहीं हरा पाता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों ही फोन में एक साथ टैप। तो हमने देखा बूटिंग वाले प्रोसेस में बना रहता है ये है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, और यहाँ पर जो है तीनों ही प्रोसेस में बना रहा है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में स्पीड कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में स्पीड कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन दोनों डिवाइस के बारे में और इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां पर जो है अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।